ई-लर्निंग गैंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से फॉर्म नंबर 10C के जरिए अपने पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। पीएफ का पैसा अगर आपने नहीं विड्रॉ किया हुआ है तो कैसे विड्रॉ करना, वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब पीएफ का पैसा विड्रॉ कर लीजिएगा उसके बाद ही पेंशन के लिए आपको एप्लीकेशन करना है। कुछ जरूरी बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपके पास आधार रजिस्टर्ड मोबाइल होना चाहिए, उस पर ही ओटीपी आता है, उसके जरिए ही वेरिफिकेशन होता है। अगर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो आप पहले जाकर लिंक करवाइए, उसके बाद एप्लीकेशन करना, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेट ऑफ एग्जिट। जॉब आपने छोड़ दिया हुआ है उसके बाद ही आप पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। जब आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन हुआ है उसके 2 महीने के बाद आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो जाता है पीएफ का और पेंशन का। अगर नहीं अपडेट हुआ है तो आप कंपनी से भी करवा सकते हो या तो आप खुद से भी अपडेट कर सकते हो। वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है कि ऑनलाइन कैसे आप अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हो। उसके अलावा आपको कैलकुलेट करना है सर्विस पीरियड भी। अगर 10 साल से ज्यादा का आपका सर्विस पीरियड हो गया है तो हो सकता है कि आपका पेंशन का पैसा फॉर्म 10C के जरिए विड्रॉ ना हो, तो इस बात का भी ध्यान देना है। अगला पॉइंट है, बैंक खाता आपके पीएफ पोर्टल पर लिंक होना चाहिए। नहीं लिंक है या रॉन्ग लिंक है तो बैंक केवाईसी के जरिए अपडेट कर सकते हो। कैसे करना है, वीडियो बनाया हुआ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जो भी बैंक खाता लिंक होगा पीएफ पोर्टल पर उसका डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, जैसे कि चेक का कॉपी, पासबुक या तो बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद काफी लोग सवाल पूछते हैं कि फॉर्म नंबर 15G कैसे अपलोड करना है। ध्यान देना, पेंशन अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो आपको फॉर्म नंबर 15G अपलोड नहीं करना है, तो बनाने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ पीएफ के लिए फॉर्म नंबर 15G होता है, ठीक है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और मोबाइल फोन से कैसे आपको फॉर्म भरना है और सबमिट करना है वो भी दिखा देता हूं। आपको जाना है प्ले स्टोर में, उमंग ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर ऑलरेडी आपने डाउनलोड किया हुआ है तब आप ओपन कर लीजिए और लॉग इन कर लीजिए। अगर नहीं डाउनलोड किया हुआ है तो इस तरीके से इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। उसके बाद परमिशन देते जाइए, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से आपको पेज आ जाएगा तो आप रजिस्टर कर लीजिए। अगर फर्स्ट टाइम आपने उमंग ऐप डाउनलोड किया हुआ तो रजिस्टर कर लीजिए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके। अब उमंग ऐप डाउनलोड हो गया, रजिस्ट्रेशन भी हमने कर लिया हुआ। अब नीचे देखिए आपको यहाँ पर सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऊपर देखिए सोशल सिक्योरिटीज एंड पेंशनर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। अब ईपीएफओ का ऑप्शन आएगा, इसको ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे यहाँ पर ईपीएफओ के जो भी ऑनलाइन सर्विसेज है उनका ऑप्शन दिखाई देता है। सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना है, ऊपर देखिए लॉगिन का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से पॉपअप मैसेज आएगा, आपको यूएन नंबर अपना जल्दी से इंटर कर देना है। नीचे गेट ओटीपी का बटन है, इस पर क्लिक करना है। पीएफ से जो मोबाइल नंबर आपका जुड़ा हुआ है उस पर ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी को हम नीचे इंटर कर देंगे। और ओटीपी नहीं आता तो आप रीसेंट ओटीपी पर क्लिक करके फिर से ओटीपी मंगा सकते हो, ठीक है। ओटीपी इंटर करने के बाद नीचे सबमिट का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हो। नीचे यहाँ पर रेज क्लेम का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको मेंबर डिटेल्स दिखाई दे रहा है, योर नंबर, इम्प्लॉई नेम, फादर नेम, उसके बाद DOB, मोबाइल नंबर, सब कुछ दिखाई दे रहा है। नीचे KYC का डिटेल दिखाई दे रहा है, आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर ब्लैंक है, हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर इंटर करना है। ध्यान देना है जो बैंक खाता आपके पीएफ खाते से जुड़ा हुआ है वही यहाँ पर आपको इंटर करना है। नीचे एफसी कोड ऑलरेडी आया हुआ है, बैंक नेम और एड्रेस नीचे आया हुआ है। अब नीचे नेक्स्ट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही फिर से मेंबर डिटेल्स दिखाई देता है, यहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अब बदल गया है। नीचे जब आप देखोगे तो यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट भी हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे देखें यहाँ पर आपको मेंबर आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा, हमारे केस में एक ही है तो यहाँ पर उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे देखिए यहाँ पर डेट्स दिए गए हैं, ज्वाइनिंग एग्जिट का सब कुछ दिया गया है, ठीक है। ये कंप्लीट है हमारे केस में, आपके केस में कंप्लीट नहीं है तो आपको जैसे मैंने बताया, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, चेकआउट कर लीजिएगा। और उसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब एड्रेस इंटर करने का यहाँ पर ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, जल्दी जल्दी हम एड्रेस इंटर कर देंगे। किसका एड्रेस इंटर करना है, इम्प्लॉई का, हमारा खुद का, ठीक है। कुछ लोग कंपनी का एड्रेस इंटर कर देते हैं तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। एड्रेस इंटर करने के बाद नीचे नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब क्लेम फॉर्म का यहाँ पर पेज आ जाता है, ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा गया एलिजिबल क्लेम टाइप, तो यहाँ पर 2 फॉर्म दिए गए हैं, फॉर्म नंबर 19 और 10C। नीचे यहाँ पर आई वॉन्ट टू अप्लाई का ड्रॉप डाउन है, क्लिक करेंगे तो फॉर्म नंबर 10C हमें दिखाई देगा, सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही सेलेक्ट करते हैं नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन हमें दिखाई देता है। यहाँ पर पीएफ पोर्टल से जो बैंक लिंक है उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है क्योंकि उसमें ही पैसा आएगा। क्या अपलोड कर सकते हो, चेक का कॉपी, पासबुक का कॉपी या तो बैंक स्टेटमेंट। पासबुक का कॉपी या तो बैंक स्टेटमेंट में आपके बैंक का लोगो होना चाहिए या तो स्टैंप होना चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नीचे आएंगे तो अंडरटेकिंग है, पढ़ लीजिएगा, बगल में चेक बॉक्स है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे नीचे देखिए गेट आधार ओटीपी का एक बटन है, ये इनेबल हो गया है।
अब आधार ओटीपी इंटर करने का पॉपअप मैसेज दिखाई दे रहा है। आधार ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया हुआ है, जल्दी से हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। इनकेस अगर ओटीपी नहीं आता है तो ऊपर रिसेंट ओटीपी का बटन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। हमारे केस में आगे हमने इंटर कर दिया, नीचे सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन पर क्लिक करते इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा कि क्लेम सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। नीचे ट्रैक आईडी आपको दिखाई दे रहा है, ओके पर क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म अब दिखाई दे रहा है, इसको आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब आप होम पेज पर जा सकते हो। अगर आपको अपना एप्लीकेशन ट्रैक करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ट्रैक क्लेम, इस पर क्लिक करके आप कर सकते हो। अब सवाल आता है कि कितने दिन में आपके पेंशन का पैसा आपके बैंक खाते में आ जाता है। कोई फिक्स पीरियड नहीं होता, लेकिन एक जनरल पीरियड की बात करें तो ये समय जो होता है वो 5 दिन से लेकर 1 महीने के बीच का हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपने एप्लीकेशन कैसे भरा हुआ है, आपका लोकेशन क्या है, उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रहा है, क्लिक कर दीजिए। इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कितने दिन में पैसा आ जाता है आपके बैंक खाते में, बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं। उसके अलावा पीएफ और पेंशन से जुड़े हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस का प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्लिक करिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।